हिमालयी अथवा उत्तर भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में भी गंगा को जाना जाता है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघना नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। और आपको बता दें कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, भागीरथी और हुगली के रूप में। हुगली पश्चिम बंगाल में बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, लेकिन दूसरी शाखा भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसे यहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है और यह पद्मा आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। दोनों नदियों को याद रखना कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। आगे चलकर ये पद्मा यानी गंगा, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं और इस मिली हुई जलधारा को ही मेघना का नाम दिया जाता है। और फिर ये मेघना अनेक वितरिकाओं में विभाजित होकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो इस तरह से गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। अगला है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग में। और आपको बता दें कि गंगा नदी का उद्गम दो नदियों के आपस में मिलने से होता है, जिसमें एक नदी भागीरथी जो कि गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और दूसरी जलधारा अलकनंदा जो कि सतोपंत हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। ये देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं और गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। और यह गंगा दो देशों में, भारत और बांग्लादेश में बहती है। आपके लिए एक प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? जिनको आंसर पता है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया, जो कि 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी के दर्जे के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। और गंगा की सहायक नदियों में बाएं हाथ से रामगंगा गंगा में मिलने वाली सबसे पहली नदी है। उसके बाद करनाली जिसे सरयू कहा जाता है, गंडक, कोसी, और दाहिने हाथ से यमुना, चंबल, सोन तथा बेतवा। ये गंगा की सभी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। और आपको यमुना नदी के बारे में बता दें कि इसका उद्गम स्थल बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से है, जो कि उत्तराखंड में है। इसकी सहायक नदियों में दाएं हाथ से चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है और बाएं हाथ से टॉन्स, हिडन, वरुण है। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसका पौराणिक नाम कालिंदी है, क्योंकि कालिंदी पर्वत से निकलती है। यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है अथवा सीमा बनाती है? तो ये यमुना नदी। और इसका एंड यानी मुहाना प्रयागराज में है। यहाँ यह गंगा में मिलकर ख़त्म हो जाती है, यानी विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इसका नाम सुंदरबन डेल्टा यहाँ पाई जाने वाली सुंदरी नामक पौधे की प्रजाति के नाम पर रखा गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें से किस नदी का नदी बेसिन सबसे बड़ा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा का, क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, कालिंदी नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिंदी नाम से यमुना को जाना जाता है, क्योंकि यह कालिंद पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। और आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से चिमयुंगदुंग हिमानी से है। ये चिमयुंगदुंग हिमानी नहीं, आपको मानसरोवर झील या तिब्बत ही पूछा जाएगा।
और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। याद रखना, जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और यहाँ इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण कौन सी नदी करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी इस माजुली द्वीप का निर्माण करती है जो कि भारत के असम राज्य में है। यह भी पूछा गया है कि यह किस राज्य में है, तो माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में है। नेक्स्ट है, मानस किस नदी की एक सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य सहायक नदियाँ दिबांग नदी, लोहित, धनसरी, कामेग, मानस, तीस्ता और सुबनसरी हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश पर्वतमाला से। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आपको बता दें कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से है जो कि तिब्बत में है। नेक्स्ट है, टोची, गिलगित तथा हुजा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पार की नदियों के रूप में जानी जाती हैं या फिर हिमालय पार की नदियां किन्हें कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज को हिमालय पार की नदियां कहा जाता है क्योंकि यह भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ये हिमालय के परे की नदियां हैं, यानी हिमालय के पीछे की नदियां। नेक्स्ट है, वे दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं लेकिन दो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन नदी, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है और यह दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ये नेपाल में हिमालय से निकलती है। अगला है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाघरा नदी, इसका उद्गम स्थल भारत से नहीं है। इसका उद्गम स्थल दक्षिणी तिब्बत में हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियों से है, वहां से आकर ये नेपाल में बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है, यानी ये गंगा नदी की एक सहायक नदी भी है। नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी। और आपको बता दें कि पंजाब के निर्माण में पांच नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये पांच नदियां मिलकर पंजाब का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी। और आपको बता दें कि यह बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से निकलकर यह भोपाल, झांसी, ग्वालियर, औरैया, जालौन होते हुए हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है और उत्तर प्रदेश का माताटीला बांध और राजघाट बांध इसी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए जानी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए जानी जाती है क्योंकि यह बहते हुए अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। तो यह आपका उत्तर भारत की प्रमुख नदियां अथवा हिमालय की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में दक्षिण भारत के सभी नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप अच्छे से पढ़िए। किसी नोट्स पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे।